ये बस जहाँ खड़े हैं दोनों साइड आगे वो नाली तीन नालियाँ हैं और तीनों सरकारी नाली मुझे प्लास्टर कराना है। फिर मैं अभी आया हूँ तो कुछ एक प्लास्टर उस्तर कराऊँ तो कुछ दूर पैसा कर उनका कुछ गाँव का विकास हो कि बरुआ चला जाए बाबू को तो लंबे चलवाओ सरकार जो मैं कृपा अभी वो ड्राइवर खड़ा है देखो ये शायद यही पे मर जाता इतनी जनता सब चिल्ला रही है और भ्राम भ्राम आगे लग रही है। हाँ सर ये वही खड़ा था ये सरकारी खड़ा है समाधान सर ये है कि ये सरकारी नाली जो ये पूरी हुई है और ये जहाँ पे आप ये गाड़ी खड़ी हुई है पूरा खरिहान है ये घर है। अगर कह दिया है कहा कि हम नाली बना देंगे हाँ तो बस ये नाली इसको साफ कर देंगे हमारे हम कोई माफ करना है कि बनाना है इनको क्या बना हम ये पानी निकलने के लिए व्यवस्था हो जाए बड़ी बनाई नाली तो है यही ना जी सर रास्ता ये ना बनी रास्ता का तो अंदर से हो पूरे घेरू में घेरू दुनिया भर जंगल हो रास्ता वहाँ दी बाहर बाहर सब दिन गई है वहीं चले बाद ये कोई नया काम है कि बता देना रास्ता उसको बना लेगा उधर से इसको बना देगा वो जहाँ से वो चलती थी जो है मतलब ये ताला के जल से सारी चीजें नदी जाया करती थी ट्रक डिग्री घाट के लिए नया रामायण कर रहे हैं पाँच साल के पकन एक दिन का थोड़ी है आप मिल करके उससे वो हमसे कहाँ मिलना चाहता सरकार वो तो हमें हमसे तो उसने उद्घाटन हुआ है मैं ग्राम का प्रधान हूँ मुझे कोई सूचना भी नहीं दी गई नहीं तो वो मिलने हम आपसे मिले नहीं हम आपसे मिले आप समझाता लेकिन इतनी जनता पूरी खड़ी है और आप इनके घर देख लीजिए हाँ इसको खुदवा दीजिए हो गया तो पानी चलिए दोनों तरफ अपने घर वाली अपन तक जहाँ से ले जाए खुद हाथ ले जाओ सरकारी नाली ना हमारी पूरे इतना जल्दी पानी नहीं घर में भर जा रहा है सर इतना जल्दी दो बार बारिश हो चुकी है हमारे गाँव में ज्यादा बात मत करो यार चुप रहो ऐसा मत बनो मवेशी मारेंगे अगर यहाँ से तो अगर ये घर रास्ता इनको बाहर बाहर दी जाए यहाँ यहीं से मानते हैं कि हम यहीं जाएंगे बस जबरदस्ती इसका गरीबन का पानी बंद कराएंगे। अवैध तरीके से ये रास्ता निकाली जा रही है जिससे ग्रामीण इतराज कर रहे हैं वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बालू माफिया अपनी दबंगई के चलते इस रोड का निर्माण कर रहे हैं जबकि ये गांव से गलत जगह से रोड निकाली जा रही है। जी बताएं ये रोड की मिट्टी जो लगाई गई है जिस दिन यहाँ पे मना किया गया है सर तो चार चार सराहा लेकर आते थे कोई माना नहीं है चार चार सराहा लेकर के आते थे ट्रैक्टर में मिट्टी डलवाई गई है कहते हैं कि वो बहुत बड़े ठेकेदार के योगी आदित्यनाथ से मिले हुए हैं ये लोग इतनी धमकी देते हैं कि योगी आदित्यनाथ से रिश्तेदार है वो भांजा है कोई माना नहीं माना कोई कहता है कप्तान मेरा फूफा है कोई कहता है मेरा जीजा है अब बताए गरीब आदमी क्या करे इसी गरीब आदमी कहता हूं पूरे बस्ती का सरकारी नाली पुरवा दी गई जाएगा मकान गिर जाए कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। अच्छा इसकी सूचना आपने कहां दी है किसी उच्च अधिकारी को दी सूचना सूचना अभी सर कुछ किसी को रुकवा दिया पानी हुआ हम आप लोगों के इसलिए तो बताया गया है कि ऐसे नहीं होगा हमने उनको मना किया कहे नहीं चलाएंगे आवाज से चलना शुरू हो गया जी कह रहे थे हम चलाएंगे ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा छोटे लाल यादव नाम है जी। मैं इस समय इस ग्राम का प्रधान पति हूँ जी और मैं ये समस्या इनकी आपके सामने रख रहा हूँ ये सब मेरी पब्लिक खड़ी है ये यहाँ पे। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम सुनील है जी। किस गांव के निवासी हैं? हम इसी गांव के निवासी हैं। ये हमारा मकान है यहाँ पे गिरने लगा था मकान तब हम पानी काटे हैं वो प्रधान जी के पास हाथ जोड़ जोड़े तब जो है प्रधान जी ने पानी कटवाए मजबूरी इस बात की थी नहीं हम हमारे बच्चे रात के रोते थे रात के पानी गिरा है इतना रोते थे पानी भरा था तो कोई निकलने की जगह नहीं थी तब फिर माटी कटवा के रात के प्रधान जी के पास हम लोग गए थे तो रात के प्रधान जी आए हैं तो रात के पानी कटवाए और ये लोग जो है माटी डालने को हम मना किए माटी डालने पर ये लोग कोई नहीं माने। चित्रकूट जिले के ओरा गाँव में सभी ग्रामीण जो यहाँ दिखा रहे हैं कि ये जो नाला है नाला ये जो नाला है जो नाला को मिट्टी डाल करके बंद कर दिया गया है जबकि ये अवैध है अवैध तरीके से ही मिट्टी को डाल करके ग्रामीणों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के पहाड़ी क्षेत्र के ओरा गांव में दबंगों द्वारा नाला किया गया बंद वहीं ग्रामीणों ने बताया। क्या समस्या है आप लोगों की? यहाँ घर में पानी घुस गया साहब जो है नहीं कोई पानी निकालने वाला नहीं माटी पुरवा दिए लोग
बारिश हुई रात में, बारिश गिर गई तो यहाँ घर के अंदर बच्चे जो है तालियां उतराने लगी, तो फिर यहाँ पे जो है हम लोग कटवा के माटी निकाले। किन्होंने माटी उड़वा ली यहाँ पूरे लिए? यहाँ जो ठेकेदार ने माटी निकलवा करके डलवाए थे, ट्रक निकाले। काहे का ठेकेदार है? काहे का ठेकेदार? बालू का ठेकेदार। बालू ठेकेदारों ने ये करवाया रोड, नाली तोड़वा दी। मुझे बुलाए कि ये देखिए प्रधान जी कैसा क्या हुआ है, तो पानी निकलवाए प्रधान जी ने, मैंने इसको खोलवा घर गिरने लगे। अब आप फिर मैंने आकर के इनको पानी कटवाया भाई साहब, और ये हमारी समस्या है, ये गरीब ये इधर दलित बस्ती है और दबंगा जबरदस्ती यहाँ पे पानी निकलने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम कह रहे हैं कोई गोली से मार देंगे, बड़ी बड़ी हम धमकी दी जा रही, बताओ ये क्या करें। अच्छा, नाला इनके जो द्वारा पूरा भी गया, थोड़ा भी गया है, उनको बुलाया गया है, उन्होंने देखा जो क्या उद्घाटन होता है। आप लोग ये रास्ता कहाँ से चाहते हैं? हम ये चाहते हैं गांव से बाहर कर दिया जाए, ना सरकार का नुकसान हो ना ठेकेदार का नुकसान हो, मेरा कहना ये। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई किसी का नुकसान हो, क्योंकि गरीब आदमियों को अगर मना कर रहे हैं तो दबा के बिचार क्या करेंगे, वो शासन के पास जाएंगे, लेकिन शासन की ही बालू है, तो हम कहते हैं कि गाँव के बाहर से ये रास्ता दी जाए, हमारा यही निर्णय है, यही काम होना भी चाहिए, यही। अरे भाव ये बन जाए।